गाजीपुर में एक बार फिर कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता दिख रहा है। जिले में शुक्रवार को कुल 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इससे पूरे जनपद में दहशत कायम है। गाजीपुर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होने के कारण जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य महकमे की नींद भी उड़ गई है। 15 मई को मिले मरीजों की संख्या मिला दें तो जिले में कुल मरीजों की संख्या 27 तक पहुंच गई है, जिनमें से 6 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं और कुल एक्टिव केसेस की संख्या 21 हो गई है। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि गाजीपुर के किन इलाकों में कोरोना के ये नए मरीज मिले हैं। बिरनो थाना क्षेत्र के गोपालपुर में 6 लोग और बिरनो में एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है। इसी तरह गाजीपुर के दुल्लापुर थाना क्षेत्र के भीखमपुर में एक और मनिहारी ब्लॉक में भरथना में एक मरीज पाया गया है। नौनहरा थाना क्षेत्र के फतेहपुर अटवा में एक, नंदगंज थाने के बयेपुर देवकली में एक, सोहवल थाने के मकसूदपुर गांव में एक मरीज मिला है। इसके अलावा सरिया गांव मऊ का एक व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित में शामिल हुआ है। जिले में कोरोना मरीजों के मिलने की पुष्टि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीसी मौर्य ने की है। बता दें कि प्रशासन द्वारा सभी गांवों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। इन सभी का सैंपल 12 से 13 मई को भेजा गया था। 15 मई की सुबह की रिपोर्ट में 7 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। वहीं 15 मई यानी आज ही दोपहर बाद की रिपोर्ट में 6 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि ये सभी कोरोना मरीज प्रवासी हैं। ये कुछ दिन पहले ही मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों से अपने घर लौटे हैं। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हम आप तक ऐसे ही बिना रुके खबरों को पहुंचाते रहें।